नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारुठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज मालव जनपद की। गत अध्याय में द्वितीय वर्ष कला राजस्थान के इतिहास के सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं, और पिछले अध्याय में मैंने आपको मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी दी थी, और आज मैं आपको बता रहा हूँ मालव जनपद के बारे में। जहाँ तक मालव जनपद का है, पंजाब की कुछ जातियाँ जो दक्षिण पंजाब की थी, वह राजस्थान की तरफ उन्होंने गमन किया, और ये बात है ईसा से 600-700 साल शताब्दी पहले की। और उसके उनके गमन के बाद वह धीरे धीरे अपना प्रसार करने लगी, अपनी स्थितियों को निकल लेगी, और ये प्राचीन जातियों ने इस जाति का उल्लेख मिलता है। मालवों की शूरवीरता का भी इसमें वर्णन किया गया है। इन मालवों के संबंध में जो हम विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, सिकंदर के साथ में इनके संबंध कैसे थे, राजस्थान में माल और सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इन जातियों का क्या, इस मालव जाति की क्या भूमिका रही, राजस्थान में मालव जाति की स्थापना कैसे और कब कब हुई, और फिर उनका प्रसार क्या हुआ, शक क्षत्रप जो शक जाति थी उनके साथ उनका संघर्ष कैसा हुआ और किस प्रकार से रहा, मालव शक्ति का फिर शक जाति के साथ में उनका एक तरीके से जर्जर अवस्था में पहुंच गई वो, और फिर उसके बाद मालव शक्ति का पुनः एक पर वापस विस्तार हुआ, और फिर मालव महाजनपद का पतन किस प्रकार हुआ। इस बीच में मालव संवत भी आता है सामने, और उनके मुद्राएं, उनका सांस्कृतिक जीवन और ये सब कुछ भी हमको अध्ययन करने पे प्राप्त होता है। तो अब आज हम इस बारे में अध्ययन करेंगे कि मालव जो थे वो, अब जहाँ तक मालव लोगों ने विदेशी आक्रमण सिकंदर का सामने का निश्चय कर लिया था, अनन्य उपासक थे, इन्होंने अपने परंपरागत पड़ोसी शत्रुओं के साथ मित्रता की एक प्रकार से। दुर्भाग्य शूद्रकों की सेना मालव सेना से मिल पाती इससे पहले ही सिकंदर ने उन पर आक्रमण कर दिया था और वे पराजित हो गए थे। सिकंदर को एक गहरा घाव भी लगा मालवों के, ये कहते हैं कि बहुत हुई, और लगभग 90,000 पैदल, 10,000 घुड़सवारी और इस प्रकार के सारे सैनिक जो थे वो मालव और शूद्रकों के पास मिक थे, और ऐसा प्राचीन मिलता भी है। लेकिन मालवों को बहुत अधिक क्षति हुई, मालवों को बहुत अधिक नुकसान हुआ, और इसके कारण हम देखते हैं कि वे मूल स्थान निवास को छोड़कर पंजाब से राजस्थान की तरफ गमन कर गए। राजस्थान में शक उनकी जो, जहाँ तक राजस्थान में उनकी स्थापना की बात करते हैं हम, तो राजस्थान में आने का समय कोई निश्चित नहीं है उनका, लेकिन राजस्थान में मालवों के सिक्के हजारों संख्या में मिलते हैं, और ईसा से 150 साल पहले ये उनका नजर आता है। और पंजाब से हटने के बाद मालव राजस्थान के टोंक, मेवाड़ और कई स्थानों पर प्राप्त हुए, राजस्थान में उनमें लग गए थे वो। इस समरूता में टोंक में लगभग दक्षिण और बूंदी की तरफ 7-8 किलोमीटर अंदर भीतर का क्षेत्र है बूंदी का, वहां भी इन्होंने ये स्थापित की थी। शक शत्रुओं से संघर्ष, और इनका शत्रुओं से भी अपनी सीमाओं के विस्तार के कारण हुआ। पुष्कर क्षेत्र में हम इनका, अजमेर के पुष्कर क्षेत्र में भी इनका मिलता है। और शक शत्रु ऋषभ दत्त ने मालव जनपद को अधिकृत कर लिया था, ऐसा बिल्कुल जानकारी प्राप्त होती है। और नहपान ने अपने सहयोग के लिए अपने दामाद ऋषभ दत्त को भेजा था, और ये फिर लगभग 3,000 गायों का ग्राम दाम में दिया। अजमेर क्षेत्र में शक क्षत्रप नहपान के ऐसे बहुत सिक्के भी मिले। इस आधार पर हम बहुत से विद्वान समूचे अजमेर क्षेत्र पर नहपान के प्रशासन की पुष्टि करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वीकार करना पड़ेगा हमको कि भाई मालव जनपद जो है नहपान की राजनीतिक अधीनता स्वीकार कर ली थी, तथा मालव जनपद को बहुत बड़ा क्षेत्र नेपाल के अधिकार में चल दिया। दूसरी शताब्दी में उज्जैन में शक का हुआ था, उनके उदय के परिणाम से मालव जनपद की सुरक्षा क्षेत्र फिर खतरे में हो गई, और अजमेर टोंक में मेवाड़ क्षेत्र में इसके सिक्के बहुत उनके पाए गए हैं महाक्षत्रपों के, शक क्षत्रपों के। रुद्र दमन के अगर जूनागढ़ अभिलेख की हम बात करें तो उसने राजस्थान के बहुत से बड़े भाग को जीता था, मालवों की पड़ोसी जातियां योद्धियों अर्जुनों को अपनी स्वतंत्रता में मिला लिया था, और उनको कुषाणों को भी अधीनता, उन दिनों में शक जो क्षत्रप थे कुषाणों की अधीनता से में
शासन करते थे, अर्थात कुछ राणों के शासनकाल में भी मालवगढ़ को नैवेदिक शक्ति का घेरा लगा। यानी मालू जब उत्तर भारत से पंजाब से राजस्थान की तरफ आए, सिकंदर का आक्रमण था, फिर शकों का था, फिर उसके बाद कुषाणों का था, तो मालवों को लगातार अपनी शक्ति की स्थापना में कहें या अपने उसमें कहें, उनको संघर्ष का सामना करना पड़ा था। मालव शक्ति का पुनः केंद्रीय शक्ति शक्ति होने के बाद भी मालवों का इनकप हुआ और 40-60 किलोमीटर दूर स्थिति हुई। तीसरी चौथी शताब्दी की बात करें तो तीसरी चौथी शताब्दी में वापस इनकी स्थापना का काल माना जाता है और वापस इन्होंने अपने आप को मजबूत किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार ये यज्ञ का अभिप्राय संभवतः पश्चिम भारत के शकों पर मानव जाति के वजह से है। और यहाँ एक चीज और है कि सप्त सोम संस्था का अभिप्राय, सप्तसोम संस्था का नाम आता है, इसका अभिप्राय है कि सात स्तंभों की कोई यज्ञ निर्मित करने से बनी है और ये यज्ञ निर्मित जो स्थान है वो ये दर्शलाता है कि मालवों ने अपनी शक्ति ईसा से 200-250 वर्ष पूर्व बाद में वापस करी और इसका एक बड़वा अभिलेख कोटा में मोखरी के रूप में मिलता है, जो ये बताता है कि मालवों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी कोटा के अभिलेख से। मालवों को गणतंत्र व्यवस्था में जाति के गण का मुख्य पदपेषक कहा गया, फिर भी वहाँ मतलब गणतंत्र की व्यवस्था लागू थी वहां पर, लेकिन वहां महाराज और वंशानुगत थे, लेकिन महाराज और इस प्रकार की स्थिति कहीं भी नहीं आती थी। मालव जनपद का अगर पतन की बात करें तो मालो जो थे आयुध जी भी थे, उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दीर्घकाल तक शकों कुषाणों के साथ संघर्ष किया, ये मैंने आपको अभी बताया भी था। बाद में उनका शकों के साथ संघर्ष इसी प्रकार चलता रहा, लेकिन समुद्रगुप्त की जब हम सैनिक अभियान पढ़ते हैं और समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान पढ़ते हैं उसमें स्पष्ट होता है, प्रयाग प्रशस्ति से स्पष्ट होता है कि मालव अर्जुनायन और योद्धे आदि जातियों ने उसको पराजित कर दिया था और उसको रोक दिया। गुप्त शासकों ने इन जातियों को आंतरिक शासन व्यवस्था में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए यह मानना युक्ति संगति कि गुप्तों के समय मालवों के जनपद में केंद्र के अधीन गणतांत्रिक व्यवस्था यथावत बनी रही थी। और परंतु अगर एक बात सामने आती है कि जनपद पर अपना शासन, कुछ विद्वानों ने यशोधर्मन को मालव मानते हुए भी यह प्रतिपादित किया है कि यशोधर्मन का मतलब होता है 532 ईस्वी या 535 ईस्वी के आसपास, तो यशोधर्मन जब वहां राजन कर रहा था तो ये स्थिति स्पष्ट की गई कि छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में भी यशोधर्मन समस्त भारत में, तो उस समय भी मालव अधीन था। मालव संबंध जो है एक आता है नाम की मालव संबंध की बात आती है, मालव संपद जो है 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ, ये विक्रम संबंध 70 ईस्वी में भी शुरू होता है। विक्रम संबंध और मालव संबंध लगभग लगभग दोनों बराबर के हैं और इसलिए निश्चित तौर पर मालव संबंध को विक्रम संबंध कहना उचित नहीं है, दोनों अलग अलग है लेकिन बराबर समय चालू होता है। मालव के सिक्के मिले हैं कुछ दूसरी शताब्दी में, इनमें राजा का मस्तक, अग्नि, सूर्य सिंह और इनका वजन जो 1.5 ग्रेन के लगभग बताया गया है, ये विभिन्न स्थानों पर भी ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। और नगरकोट उनियारा क्षेत्र में मालवों के सिक्के की पर्याप्त संख्या में प्राप्त हुई है। सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो मालवों का सांस्कृतिक जीवन जो है वो भारत में जिस प्रकार की संस्कृति प्रभावित हुई थी, मालव भी उसी रंग में रंगा हुआ था। मालव ने वैदिक धर्म की गरिमा को बनाए रखा, सूर्य, नरसिंह, सिंह आदि चिन्हों करता, सूर्य शिव शक्ति की उपासना की करते थे लोगों और या सिक्कों पर उत्कीर्ण बोधिवृक्ष से पता चलता है कि बौद्ध धर्म में काफी लोकप्रिय थे। इसी प्रकार जैन धर्म में भी जैन धर्म में भी मालव जनपद का उल्लेख होता है। मालव लोग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे, संगीत, नृत्य, शिकार, व्यायाम आदि मनोरंजन के मुख्य मानव थे। समाज में नारी का स्थान बहुत अच्छा था मालव जनपदों में, ये बहुत विशेषता थी। अब 40 जहां मैंने आपको पहले सिक्के के नाम बताया था वहां पर लगभग 40 मालव सरदारों के सिक्के अलग अलग स्थान पर अलग अलग जगह पर प्राप्त हुए। अधिकांश सिक्के परवर्ती काल के हैं, कुछ सिक्कों पर जयो मालव नमः, कुछ में मालव नमः जह आख्यान है और कुछ पर मालव सेनापति के नाम भी है। सिक्कों के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि मालवों ने लंबे समय तक सदृढ़ लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित रखा और उन्होंने इस उनके शासकों का कोई उल्लेख नहीं है जबकि सैनिकों का उल्लेख है, यानी जिस सैनिक ने जो कीर्ति स्थापित की, जो विजय स्थापित की उस पर। तो आज हमने ये मालवों के बारे में पढ़ी और सातवीं छठी शताब्दी के बाद में मालवों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। मालवों का सांस्कृतिक जीवन, मालव जनपद का पतन, उनके विभिन्न उसके साथ सिक्के, मालव संबंध, मालवों के मौर्य शकशंत्रपों कुषाणों के साथ उनका संघर्ष और मालवों की राजस्थान में स्थापना, इन सब और मालवों की भौगोलिक स्थिति, तो इन सब के बारे में आज हमने ये अध्ययन किया है और अगले अध्याय में करेंगे। तो दो राजस्थान के विशेष मत्स्य और मालव जनपद के बारे में हमने आज अपने ये दो विशेष अध्ययन किया है और इसके उपरांत
अब हम अगले अध्याय की तरफ गमन करेंगे। धन्यवाद।